बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। बाब नंबर 32, इमाम का औरतों को नसीहत करना और उन्हें तालीम देना। हदीस नंबर 98, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन मर्दों की सफ से औरतों की जानब निकले और आपके हमरा हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा थे। आपको ख्याल हुआ कि शायद औरतों तक मेरी आवाज नहीं पहुंची, इसलिए आपने उन्हें नसीहत फरमाई और सदका खैरात देने का हुक्म दिया। तो कोई औरत अपनी बाली और कोई अपनी अंगूठी डालने लगी और हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा इन जेवरात को अपने कपड़े में जमा करने लगे। इस हदीस को इस्माइल इब्ने अलई ने अयूब से, उन्होंने अता से, उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हा से रवायत किया। हजरत इब्ने अब्बास ने कहा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही देता हूँ। बाब नंबर 33, हदीस नबवी के हसूल के लिए हिर्स करना। हदीस नंबर 99, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्यामत के दिन आपकी सफारत से कौन ज्यादा हिस्सा पाएगा? तो आपने फरमाया अबू हुरैरा मुझे यकीन था कि तुझसे पहले कोई मुझसे ये बात नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुझे हदीस की बड़ी हिर्स है। क्यामत के दिन मेरी सफात से सबसे ज्यादा बहरावर वो शख्स होगा जिसने अपने दिल या खलूस नियत से ला इलाहा इल्लल्लाह हो कहा होगा। फायदा, दिल से कलमा इखलास कहने का मतलब ये है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे, क्योंकि जो शख्स शिर्क करता है उसका महज जुबानी दावा है, दिल से उसका इकरार नहीं करता। इनमें सफारस का ज्यादा हकदार वो होगा जिसने इखलास के साथ कलमा पढ़ा होगा। बाब नंबर 34, इल्म किस तरह उठा लिया जाएगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्ला ने अबू बकर बिन हजम को लिखा, देखो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, उन्हें लिख लो, इसलिए कि मुझे इल्म मिट जाने और उलमा के खत्म होने का अंदीशा है। इस सिलसिले में सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ही कबूल करना। उलमा को चाहिए कि वो इल्म को फैलाएं और इल्मी मजालस का एहतमाम करें ताकि जाहिल भी जान लें, इसलिए कि इल्म छुपाने ही से जाया होता है। हदीस नंबर 100, हजरत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, अल्लाह ताला दीन के इल्म को ऐसे नहीं उठाएगा कि बंदों के सीनों से निकाल ले, बल्कि अहले इल्म को मौत दे कर इल्म को उठाएगा। जब कोई आलम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को पेशवा बना लेंगे, इनसे मसाइल पूछे जाएंगे, वो बगैर इल्म के फतवे देकर खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। फरबरी ने इस हदीस के मजमून को हसाम से एक दूसरी सनद से भी हासिल किया है। बाब नंबर 35, क्या औरतों की तालीम के लिए अलहदा दिन मुकर्रर किया जा सकता है। हदीस नंबर 101, हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि चंद औरतों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मर्द आपसे फायदा उठाने में हमसे आगे बढ़ गए हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से हमारे लिए कोई दिन मुकर्रर फरमा दें। आपने इनकी मुलाकात के लिए एक दिन का वादा कर लिया, चुनाचे उस दिन आपने उन्हें नसीहत फरमाई और शरीयत के अहकाम बताए। आपने उन्हें जो बातें तलकीन फरमाई उनमें एक ये भी थी, तुम में से जो औरत अपने 3 बच्चे आगे भेज देगी तो वो उसके लिए दोजक की आग से हिजाब बन जाएंगे। एक औरत ने अर्ज किया अगर कोई 2 भेजे तो? आपने फरमाया 2 का भी यही हुक्म है। हदीस नंबर 102, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 3 बच्चे जो गुनाह की उम्र यानी बलूग तक न पहुँचे हों। अल्लाह ताला हम सब को दीन को सही मायनों में समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।